आपको एक बहुत बड़ी वजह चाहिए पढ़ने की। अरे यही जड़ है भाई, आपके पास कोई बहुत बड़ी वजह ही नहीं है पढ़ने की, कोई वजह ही नहीं है उन सारे एडिक्शंस को छोड़ने की जिन्होंने आपको जकड़ रखा है, कोई वजह ही नहीं है अपनी बड़ी से बड़ी आदतों को बदलने की जो आदतें पड़ गई हैं। आदतें क्या है? ना पढ़ने की। एक नई आदत डालनी पड़ेगी, वो है पढ़ने की। उसके लिए कोई वजह तो चाहिए, और बहुत बड़ी वजह चाहिए, तभी आप उस पर एक्ट करोगे, नहीं तो क्यों करोगे? आप कहोगे ठीक है जिंदगी चल तो रही है, चलती रहेगी ना, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या जा रहा है, एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे कि इस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, जबकि अंदर से आपको भी पता होगा कि ये सब एक्सक्यूजेस है, असली कहानी कुछ और है। तो जुनून चाहिए, कोई फितूर चाहिए, अंदर से चाहिए कि मुझे कुछ करना है, तभी तो वो घोड़ा भागेगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। आपके माइंड को डायरेक्शन कौन देगा? आप ही दोगे। आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, उसको बीच में लाना पड़ेगा उस माइंड को कंट्रोल करने के लिए। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो लगाम है आपके माइंड की। इंटेलिजेंस के बेस पे आप क्या कर सकते हो? आप कमिटमेंट कर सकते हो, आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे सकते हो, ये वजह है मेरी इस काम को करने की, मैं इसको करके ही रहूंगा हर हाल में। कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि मैं ये इस वजह से नहीं कर पा रहा, उस वजह से। एक्सक्यूजेस वो लोग देते हैं जिनके पास में कोई वजह ही नहीं है उस काम को करने की। They don't have a reason to do it. That's why they are giving excuses. और उनको गलतफहमी ये हो गई है, वो एक्सक्यूज किसी और को दे रहे हैं, वो खुद को ही दे रहे हैं एक्सक्यूजेस। जिंदगी उनकी खराब हो रही है एक्सक्यूजेस दे दे करके, उनकी आदत पड़ती जा रही है हर चीज में एक्सक्यूज देने की। ये मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा, धर 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 धर, ये मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा, धर 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 धर। मान लिया हजार वजह है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे, अरे एक वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। क्या एक्सक्यूजेस दे रहे हो? Need a strong reason. You need a burning desire. भयानक desire चाहिए अंदर से, वो आपको खींचेगा, वो आपके घोड़े को एक direction देगा, नहीं तो भागता रहेगा इधर उधर, आपको कुछ ही नहीं समझ आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो लगाम लगाएगा, वो आपकी वजह होगी जिसके बेस पे गोल सेटिंग होगी। लोग बात करते हैं गोल सेटिंग गोल सेटिंग गोल सेटिंग, क्या गोल सेटिंग? उठा करके कोई भी गोल सेटिंग करती जो अंदर से खोखला है, उसके पीछे क्या बर्निंग डिजायर है या नहीं है, कोई पर्पस है या नहीं है? तो पर्पस क्या है? एब्सोल्युटली सिंपल, दो चॉइसेस हैं आपके पास में, एक कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है या मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना, जिंदगी को काटना है या जिंदगी को जीना है। यह है जिंदगी का मकसद, यह आपको आगे तक लेकर के जाएगा। इसके बेस पे गोल सेटिंग होगी, और फिर जो गोल सेटिंग होगी वो पक्की होगी, क्योंकि अब आपको बाहर से कोई नहीं कह रहा कि पढ़ो 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 पढ़ो, ये करो वो करो वो करो, अरे ना, आपके अंदर से आ गया, अंदर से आ गया कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए मुझे पढ़ना है, मुझे अपने बाप के लिए नहीं पढ़ना, अपनी माँ के लिए नहीं पढ़ना, अपनी होने वाली बीवी के लिए नहीं पढ़ना, भाई मुझे खुद के लिए पढ़ना है। मुफ्त में बैठ करके जिंदगी भर रोटियां नहीं तोड़नी है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बदलने वाला आपकी लाइफ में, मुझसे लिखवा करके रखना। टैलेंट की अपनी एक लिमिट है, गोल सेटिंग की अपनी एक लिमिट है, मोटिवेशन जो कि बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है उसकी एक लिमिट है, लेकिन इंस्पिरेशन जो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं। बाकी सब मर जाता है, लेकिन इंस्पिरेशन कभी नहीं मरती, वो अंदर से चलती ही रहती है। और आप लोगों को मेरे सेशंस देख करके बातों को रटना नहीं है, बातों को याद नहीं करना, ना याद रखना है, सिर्फ अपने अंदर से इंस्पायर्ड होना है, अपने अंदर से उस इंस्पिरेशन को जगाना है। और इंस्पिरेशन क्या है अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो, एक लाइन में कि मुझे कुछ करना है, बस। अगर किसी इंसान की लाइफ में कोई इंस्पिरेशन नहीं है, अंदर से कुछ करने का जज्बा नहीं है, इस दुनिया को बदलने का जज्बा नहीं है, किसी के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा नहीं है, कुछ ढंग का करने का जज्बा नहीं है, तो आज नहीं तो कल वो गलत ट्रैक पे चलेगा ही चलेगा।
गारंटीड चलेगा ही सर, चाहे अपने गोल को अचीव करने के बाद चले या बिना गोल को अचीव करे ही चलने लग जाए, लेकिन वो चलेगा ही चलेगा। अभी गलत ट्रैक क्या है? देखो पकड़ो, गलत ट्रैक है मजा, टेम्पररी प्लेजर जिन चीजों से हमको मिलता है जो आगे जाकर के परमानेंट पेन में कन्वर्ट हो जाता है, मजा जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है अंधी हुई पड़ी है, वो है गलत ट्रैक। जो भी आदमी अपने रास्ते से भटक गया है, जिसके पास जीने की कोई वजह नहीं है, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी आदमी, एक बिजनेसमैन है, उसको बहुत पैसा कमाना था, उसने बहुत पैसा कमा लिया, अब क्या करूं, कुछ करने के लिए नहीं है तो क्या करेगा, वो मजे के पीछे जाएगा, पैसा तो कमा लिया मजे मारो। एक स्टूडेंट है जिसके पास में कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, पढ़ने की कोई वजह नहीं है, कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है पढ़ने की, तो वो क्या करेगा, कहेगा छोड़ना मजे मारो, वो मजे अपने आप ही उसको अपनी तरफ खींच ले उसके माइंड में। अब ये बात बड़ी अजीब लग रही है सुनने में, लेकिन ध्यान से समझना, बोलते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, सच है, बट मेडिसिन की भी एक लिमिट होती है। आपने 2 घंटा लग करके पढ़ाई करी, दिमाग का दही हो गया, उसके बाद में बैठ करके आप 15 मिनट के लिए कोई कॉमेडी वीडियो देख रहे हो इंटरनेट पे, वो तो ठीक है, लेकिन पूरा दिन बैठे बैठे बस कॉमेडी की तरफ ही घूमते रहो तो क्या होगा, व्हाट्सएप के ऊपर कॉमेडी जो, अरे वाह ये बहुत बढ़िया है, अरे ये बहुत बढ़िया है, अरे मजा आ गया, वाओ क्या बात है, ये वो कॉमेडी है एक थके हुए माइंड को रिलैक्स करने का नाम, वो माइंड जो थका हुआ है उसको रिलैक्स करने के काम आती है कॉमेडी, बट इसी रिलैक्सेशन से अगर आप अटैच हो जाओ तो क्या होगा, बर्बाद कर देगी, समझो ये गोली के जैसी है जो डिप्रेशन पेशेंट्स होते हैं उनको रिलैक्स करने की गोलियां दी जाती हैं, उनके माइंड को रिलैक्स करने की मेडिसिन दी जाती है, लाफ्टर भी ऐसी एक मेडिसिन है जो नेचुरल है, लेकिन वो भी खतरनाक है अगर जरूरत से ज्यादा आप उससे अटैच हो। अजीब लग रही है ना ये सारी बातें सुनने में, नॉर्मल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है, लोग क्या बोलते हैं, अरे हंसते खेलते रहो की फर्क पैदा है, भूल जाओ, भूलने से कुछ नहीं होगा, सोने से कुछ नहीं होगा, हंसने से कुछ नहीं होगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स की जड़ है वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है, जड़ जो है वो वहीं की वहीं है, जड़ क्या है कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, आपके पास में करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो खाली दिमाग शैतान का घर, तो करना क्या है, एक तरफ है मजा एक तरफ है दर्द, इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है, बैलेंस क्रिएट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये करना है या सिर्फ वो करना है, नहीं, दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है। अरे मैं भी मूवीज देखता हूं, मैं भी बहुत कॉमेडी शोज देखता हूं, मैं भी बहुत मजे करता हूं, अपनी जिंदगी को खुल करके जीता हूं, लेकिन साथ साथ में बैलेंस क्या है कि वो काम जो करना जरूरी है उसको करने के लिए जो मैं करना चाहता हूं, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूं। लोग मजा तो चाहते हैं लेकिन दर्द सहना नहीं चाहते, ये जड़ है हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम, चाहते तो हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा कर जाएं, बहुत बड़े सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन उसके लिए जो दर्द सहना पड़ेगा, मतलब कि पढ़ना पड़ेगा या कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा जिसमें कि आपको दर्द हो आपके माइंड को या आपकी बॉडी को, वो काम हम नहीं करना चाहते, और सक्सेस मिलेगी आपको वही काम करने से। तो क्या निकला आज के सेशन से, अगर मैं इसको समअप करूं एक लाइन के अंदर अंदर, कि इस दुनिया में डिजायर से बड़ी कंस्ट्रक्टिव पावर और कोई नहीं। बदला जा सकता है अपनी जिंदगी में भी और इस पूरी दुनिया में भी, इस पूरी की पूरी दुनिया को एक नई डायरेक्शन दी जा सकती है उस डिजायर की वजह से, अगर ये डिजायर सही डायरेक्शन में है तो। यही डिजायर अगर गलत डायरेक्शन में चला जाए तो इससे बड़ी डिस्ट्रक्टिव पावर भी इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं। जो लोग ऑलरेडी एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच चुके हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आज यहां पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिनके आगे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, उनको ये फैसला करना होगा भाई, और आपके फैसले के ऊपर इंडिया का नहीं इस पूरी दुनिया का फ्यूचर डिपेंड करने वाला है। आप
आपका फैसला सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, अरे इस पूरी दुनिया को बदल देगा। क्या फैसला करोगे आप? किसको चुनना है और किसको छोड़ना है, किसको लिमिट में करना है और किस तक जाना है? जिस तक जाने में डर लग रहा है, उस डर को फेस करना है, उस दर्द को सहना है। कैसे? तो अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है, सिर्फ एक लाइन कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मुझे 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 कुछ करना है, मरते दम तक करना है, करते रहना है, चाहे कुछ भी हो रहा है मुझे करते रहना है, मुझे हार नहीं माननी, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, इसको छोड़ना नहीं, इसको पकड़ना क्या? आसान है, बहुत आसान है। अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई? सोचो, बढ़ो आगे। मेरा टाइम गया, आपका टाइम शुरू।